राजीव गांधी के बारे में बयान देकर पीएम मोदी घिर गए हैं, वहीं कांग्रेस पूरी तरह से हमलावार हो गई है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पूर्व पीएम राजीव गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे। आईएनएस विराट जो हमारा समुद्री युद्ध जहाज है, आईएनएस विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। चिदंबरम ने कहा कि मैं उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि प्रधानमंत्री को ये झूठ कौन बताता है, पीएम तथ्यों की जांच किए बिना झूठ क्यों बोलते हैं। श्री नरेंद्र मोदी का एक और झूठ पकड़ा गया। नौसेना के शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि श्री राजीव गांधी ने आईएनएस विराट का उपयोग आधिकारिक यात्रा पर ही किया था। वहीं उस समय लक्षद्वीप के प्रशासक वजाहत हबीबुल्ला ने भी ये साफ किया है कि राजीव गांधी छुट्टी पर नहीं बल्कि आधिकारिक दौरे पर थे। आए थे प्रधानमंत्री की हैसियत से, तो वे आए थे आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक प्लानिंग कमीशन का, जो इन्होंने ही राजीव गांधी ने ही स्थापित किया था 1986 में। उसकी बैठक में प्रधानमंत्री, न केवल प्रधानमंत्री किंतु पूरी काबीना वहाँ आई थी। कावरत्ती जजीरे में, कावरत्ती जो है, कावरत्ती द्वीप जो है वो हेडक्वार्टर्स द्वीप है लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का, तो बैठक वहाँ हुई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पीएम मोदी की टिप्पणी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ही नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री होता तो ऐसे ही करता, ये नियम अनुसार है। राजीव गांधी गोइंग टू द एयरक्राफ्ट कैरियर विद हिज फैमिली व्हिच वाज वेरी मच विद इन द रूल्स एंड वाज हिज राइट, एनी प्राइम मिनिस्टर वुड डू सो, बट दिस प्राइम मिनिस्टर हैज नो फैमिली। इफ ही हैड फैमिली then he would also be going there, but he goes alone because he has no connect with the family or respects any family value. वही INS विराट के तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर विनोद पसरीचा, INS विद्यगिरी के कमांडिंग ऑफिसर एडमिरल अरुण प्रकाश, एडमिरल रामदास और INS गंगा के कमांडिंग ऑफिसर वाइस एडमिरल मदनजीत सिंह ने भी कहा है कि राजीव गांधी आधिकारिक दौरे पर गए थे। ऐसे में जाहिर है कि राजीव गांधी पर बयान देकर पीएम मोदी अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।